guys, what's up? Welcome back to my channel. How are you all doing? Finally coming up with amazing video today, Shopee haul, which unfortunately shout out जोर से कि Shopee अभी बंद हो गया है. Why all the good things हमेशा चला जाता है, but haul को करना है because मैंने 3 purchase किए products, but they are amazing. बहुत ज्यादा अच्छे affordable products मिलते हैं and you have to really scroll out अच्छे से, देखना है कौन से अच्छे बुरे and then buy it for you. But anyways, मैंने ये खरीदा और उसके थोड़े दिन के बाद ही वो बंद हो गया एंड आई वॉज लाइक शेट. बट एनी वेज, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन बिकॉज आपको नोटिफिकेशन उससे से मिलेंगे. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो लेट मी शो यू, आई गॉट 3 प्रोडक्ट्स. तो फर्स्ट प्रोडक्ट देखो, मेल लड़के लोगों के लिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा बिकॉज फीमेल प्रोडक्ट्स मैंने लिए. तो इफ मेला दे, अगर आप मुझे देखना आए हो तो देखो, बट अदर देन दैट फीमेल के प्रोडक्ट्स है, ठीक है. बट लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट इज अ वैनिटी बैग. अगर आपने कितने बार भी ये किधर भी देखा रहेगा, दिस इज मोर देन 700-800. आपको 600 के नीचे ये बैग कभी नहीं मिलेगा. दिस काइंड ऑफ बैग जो हम लोग वैनिटी के लिए या कुछ अपने प्रोडक्ट्स यूज कर, जो हमारे स्किन केयर होते हैं, मेकअप होते हैं, वट एवर के लिए हम इसको यूज करते हैं. मेरे पास ऐसा बड़ा वाला बैग है जो मैं प्रोफेशनल मेकअप के लिए यूज करती हूँ व्हेनेवर आई एम गोइंग फॉर माय ऑर्डर्स, बट मुझे छोटा वाला वर्जन भी चाहिए था. एंड छोटा वाला वर्जन के लिए 800-700 रुपए डालने के लिए आई वॉज लाइक बिकॉज नॉट इतना नीडेड नहीं था. तो आई वॉज स्टिल वेटिंग. जब शॉपी ब्रांड मुझे रिकमेंड हुआ, व्हेन आई केम अक्रॉस दिस ब्रांड, नहीं बोल सकते ऐप, तो मैंने बहुत स्क्रोल किया, देखे ऐसे बैग्स. तो एक ही कंपनी या एक ही सेलर बोल सकते जो इसको सेल करता था, दैट इज ऑ स्टफ्स AWE और स्टफ्स का स्पेलिंग, ओके. तो वो ही लोग ये बेच रहे थे. एंड इमेजिन इसका रेट क्या रहेगा, मैं स्क्रीन पे फोटो डाल दूंगी. दिस वाज जस्ट फॉर 349 रुपीज, 350 पकड़ लो. तो 350 में एंड आई वॉज लिटल लाइक, ठीक है, स्पेक्टिकल थी मैं कि चलो मतलब कैसे आ जाएगा, देखते हैं क्या होगा, इवन इफ इट्स नॉट गुड, बट 349 ज्यादा अमाउंट नहीं है तो ठीक है, चल जाएगा. उस एस्पेक्ट से खरीदा. द क्वालिटी इज अमेजिंग. मैं बेस्ट नहीं, मतलब मैं एकदम द बेस्ट ऐसे कुछ नहीं बोल सकती बिकॉज इफ यू सी द पार्टीशन ऐसा है जो आप उसको रिमूव कर सकते हो, लाइक दिस इज लाइक अ चीप अंदर का चीज, बट द क्वालिटी ऑफ द बैग इज फैंटास्टिक. आपको उसी तरह से जो बड़े बड़े जितने भी फोटोज आप लोग ने देखे रहेंगे जहाँ पे वो दिखाते हैं, दैट इज ओनली हाउ द बैग इज. और पिंक कलर का, इसमें ब्लैक कलर भी था. एंड थोड़े दिन के बाद मेरे खरीदने के बाद ही मैंने शॉपिंग में भी एक कमेंट डाला था कि इफ यू वांट टू सी माय रिव्यू डेफिनेटली चेक इट आउट. पर मैंने वीडियो भी बनाया था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज क्या हुआ कि वो वीडियो डिलीट हो गया. तो मैंने अभी मैं बना रही हूँ, पर दिस प्रोडक्ट इज नॉट देयर ऑन शॉपिंग. अभी शॉपिंग खुद बंद हो गया, बट फॉर लवर्स, मेकअप लवर्स जिसको खरीदना है, जेन्युइनली स्पीकिंग मैंने इसको अमेजोन में भी देखा है, फ्लिपकार्ट में भी देखा है, ये अवेलेबल है अमेजोन में 349 के प्राइस में ही अवेलेबल है. बल्कि मैंने वहां पे देखा कि रिव्यूज आर बैड, क्योंकि आई थिंक लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि बीच के जो पार्टीशन रहेंगे वो बहुत डिफरेंट रहेंगे. बट अगर आपको यही ब्रांड का अमेजोन पे मिल जाता है, डेफिनेटली चेक इट आउट. मैं देख के मैं लिंक डाल दूंगी. अगर आपको मिलता है, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा. दिस इज समथिंग दैट मैं अपने प्रोफेशनल यूज के लिए भी इसको यूज करूंगी और मैंने इसको इस्तेमाल भी किया था. क्वालिटी इज वेरी गुड, हाईली रिकमेंड करूंगी मैं. तो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई गॉट. मैं ज्यादा क्यों रिव्यू, ज्यादा एक हॉल है पर रिव्यू भी है बिकॉज मुझे करना था, बिकॉज 3 ही प्रोडक्ट्स है तो ओपनली मुझे बताना भी था प्रोडक्ट के बारे में. बहुत मुझे अच्छा लगा. मैं और खरीदूंगी अगर मुझे ऑफ स्टफ इसमें अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट में और अमेजोन में अवेलेबल है सेम प्रोडक्ट. पर ब्लैक कलर अवेलेबल नहीं है, मैंने देखा सिर्फ पिंक ही अवेलेबल है. तो अगर आप पिंक लवर नहीं हो तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, बट अदर देन दैट आपको प्रोडक्ट अच्छा लग जाएगा. सेकेंड प्रोडक्ट जो मैंने खरीदा है ये ब्रश का सेट. तो ये भी मुझे ट्राई करना था. ये दिस वॉज ऑल्सो वेरी चीप, 149 समथिंग. मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी फोटो. तो ये ऐसे डब्बे में आया था एंड दिस इज द पैकेट. जो पैकेट मैंने रिप कर दिया वाइल रिमूविंग ओनली बैड ऑफ मी. 10 ब्रशेज है, दो कहाँ पे अभी मुझे पता नहीं बिकॉज मेरे पूरे ब्रश के वैनिटी में वो मिक्सअप हो गया है. तो दिस इज द ब्रश सेट. अगर आप देखो फोटो में भी जैसे दिखा है उतने अच्छे नहीं है, बट फॉर डेली वेयर, फॉर प्रैक्टिस पर्पज दिस इज गुड. इतना बट सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है. इसमें स्पेसिफिकली अगर आपको प्रोफेशनल बेसिस के मेकअप चाहिए वैसे नहीं मिलेंगे, सेम की साइज और शेप के है ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे. बट द क्वालिटी इज डिसेंट, बैड नहीं है, नीदर बहुत एक्सेलेंट है, बट डिसेंट है, वेरेबल है, यूजेबल है. आप अपने पर्सनल यूज के लिए डेफिनेटली यूज कर सकते हो. और आई ब्रशेज अगर स्पेसिफिकली देखो तो टोटली नॉनसेंस है. ये मोस्टली हर अफोर्डेबल और चीप वाले जो ब्रश के सेट होते हैं ऐसे 10 वाले, उसमें आई ब्रशेज ऐसे ही आते हैं, विच इज नॉनसेंस. ये आपको ना ही, ये आपको क्रीज के लिए यूज हो जाएगा, बट स्पेसिफिक जो प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट के लिए लगते हैं वैसे ये बिल्कुल नहीं है. उसके लिए आपको PAC VAC लेना पड़ेगा. बट अच्छे, द इवन लाइक द पैकेजिंग भी बहुत अच्छा है, स्टडी है, टाइट है.
तो हाईली रिकमेंड अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए या प्रैक्टिस पर्पज के लिए चाहते हो तो डेफिनेटली गो अहेड। एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज समथिंग दैट आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि इतना अच्छा होगा, बट वो है, तो दैट इज अ कर्लर। तो ये वो कर्लर है, हेयर कर्लिंग मशीन। दिस इज बाय अ वेरी रैंडम ब्रांड, बहुत छोटा है, वो पीछे है, देयर यू गो, दिस इज द कलर। तो ये ऐसा बहुत छोटा कलर है, दिस इज नॉट एट ऑल फॉर प्रोफेशनल यूज, बट वेरी गुड फॉर प्रैक्टिस पर्पज, अपने खुद के लिए भी बहुत अच्छा है, एंड दिस एक्चुअली कर्ल्स योर हेयर। तो ये बेसिकली मैंने एक किसके एक तो मेकअप नहीं सॉरी एक यूट्यूब वीडियो के रिव्यू से मैंने इसको खरीदा था, एंड आई वाज लाइक इतना चीप कलर, बिकॉज मोस्टली कलर्स जो मेरे पास है एलन ट्रूमर के या आइकॉनिक ब्रांड के वो तो 2000 के ऊपर ही होते, उसके नीचे कभी नहीं आते, एंड दैट इज प्रोफेशनल यूज के, क्योंकि उनके साइज भी बड़े होते हैं एंड दे आर वेरी वेरी फटाफट हीट हो जाते, कर्ल्स भी कर देते। तो इसको मैंने अपने डमी पे यूज किया, डमी मतलब जो आर्टिफिशियल डॉल होती है जिसके हेयर पे हम लोग हेयर स्टाइल करते हैं, उसके ऊपर ट्राई किया, तो उसके ऊपर भी अच्छे से इसने हेयर को कर्ल किया, बट इसमें हेयर चिपक रहे थे आर्टिफिशियल हेयर पर। सो नेचुरल हेयर के लिए अच्छा रहेगा, अभी तक खुद पे यूज नहीं किया, बट ये फटाक से हीट अप हो जाता है, कर्ल भी अच्छे से करता है, बट नॉट लाइक प्रोफेशनल टच में इतना बोझ, उतना फर्क वो दिख जाता है, मतलब प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल में थोड़ा फर्क दिख जाता है। खुद के लिए बहुत अच्छा है, पर्सनल आपको यूज के थोड़ा जो सॉफ्ट कर्ल चाहिए रहेगा या बाउंसी वेवी व्हाटएवर, आई थिंक फॉर दैट दिस इज बेस्ट, वेरी वेरी गुड क्वालिटी एक्चुअली, जेन्युइनली स्पीकिंग। पर्सनल यूज के लिए तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, बहुत सस्ता था यार, और उसके साथ ये ब्रश भी आया, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अटैच योर ब्रश, और इसके साथ भी ये हीट हो जाएगा ना, तो यू कैन लाइक कर्ल, आपको वेवी इफेक्ट के लिए भी ये यूज हो सकता है। सो दैट इज हाउ डिफरेंट यूज में आप कर सकते हो इसको। सो दिस आर द थ्री प्रोडक्ट जो मैंने शॉपी से खरीदा, अनफॉर्चुनेटली शॉपी क्यू बंद हो गया, बट लेट्स सी शॉपी का आई थिंक दूसरा ऑल्टरनेटिव शॉपाई या क्या होते वो दो सारा लिखा जो ये करती है दैट द ब्रांड शॉप, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ब्रांड, I forgot. Anyways, so I hope that you like my video. Shopee unfortunately बंद हो गया है, but hoping अगर वो आ जाएगा तो ये बैग तो मैं 10 actually खरीदूंगी, मेरे students को भी मैं actually gift करूंगी, मैंने as I said कि मैंने Amazon पे देखा है, तो I will be purchasing this for my students because they are very good quality. This kind of bag never out of you know use, आपको हमेशा किधर ना किधर use होगा, skin care के लिए, makeup के लिए, personal hygiene, toiletry के लिए बहुत, and travel friendly यार, like एकदम अच्छे से आपके बैग वैग में बैठेगा, ऐसा हैंडल भी है, तो दिस इज एन अमेजिंग स्टफ। एनीवेज आई होप दैट यू लाइक माय वीडियो, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दो, मेरे इंस्टाग्राम के डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक तो मैं नहीं डाल सकती बट मैं इसका लिंक डाल दूंगी बैग का अमेजोन से, तो आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। अदर देन दैट आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।